हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस इसको स्टडी करने वाले हैं तो टेंस का डेफिनेशन क्या है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कोई एक्शन पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में फिलहाल हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है ये जो बताता है उसको टेंस कहते हैं हिंदी में हम इसको काल कहते हैं भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल अच्छा ये तीन तो इसके सिंपल कैटेगरीज है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लेकिन हर एक कैटेगरी के चार सब टाइप्स है जिनको हम एग्जाम्पल्स के जरिए से बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा तो हर एक की चार कैटेगरी है सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस सिंपल क्या होता है सिंपल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई रूटीन या कोई फैक्ट बताया जाता है जैसा वी प्ले क्रिकेट या आई गो टू स्कूल या द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सब या तो रूटीन है या तो सिंपल फैक्ट्स है इसको सिंपल कहते हैं कंटिन्यूस उसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वो एक्शन अभी हो रहा है तो इसके अंदर हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आई फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जैसे प्लेइंग कमिंग गोइंग वर्ब के साथ आई एनजी लगा होगा यही वर्ब यूज होता है वो एक्शन अभी चल रहा है तीसरा है परफेक्ट परफेक्ट यानी वो एक्शन कंप्लीटली हो चुका है और परफेक्ट कंटिन्यूस यानी वो एक्शन हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है मतलब जैसे कोई बच्चा सुबह से क्रिकेट खेल रहा था और अभी तक खेल रहा है तो उसको हम कैसे कहेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग यानी वो सुबह से खेल रहा है तो वो एक्शन हो भी चुका है और अभी तक खेल रहा है तो कंटिन्यूस भी चल रहा है तो ये चार सब टाइप्स हर एक टेंस के मेन टाइप्स के है तो अब हम फॉर्मूला के जरिए से इसको डिटेल में स्टडी करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं फाइव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एक वर्ब के पांच फॉर्म्स होते हैं जो हम शॉर्ट में देख लेते हैं उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी रूट वर्ड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट यानी उसी वर्ब को अगर पास्ट टेंस में कहना है तो उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब के आगे ई एन या ई डी लग जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है और वर्ब के दो टाइप है रेगुलर वर्ब्स और इरेग्युलर वर्ब्स पहले हम रेगुलर वर्ब्स इसके अंदर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं आस्क ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म है तो इसका सेकेंड फॉर्म यानी टेंस में हम क्या कहेंगे आस्ड ईडी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म में क्योंकि ई एन या इी लगता है तो वो सेम ही रहेगा आस्क आस्ट आस्ट क्लोज 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 ड्राई ड्राइड ड्राइड हंट हंटेड हंटेड शॉप तो ये एकदम इजी है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है कुछ वर्ब होते हैं इरेग्युलर वर्ब्स जिनके अंदर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होता है जैसे गो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसका पास्ट टेंस फॉर्म होगा वेंट यानी वो ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल अलग है और थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा गॉन तो इेगुलर वर्ब्स हमको याद रखना है ये बहुत कम होते हैं 90 परसेंट रेग्युलर वर्ब्स ही होते हैं इरेग्युलर वर्ब्स कम है तो इसको एक लिस्ट बना के हमको याद कर लेना है कुछ पांच हम यहां सैंपल के तौर पे दे रहे हैं जैसे ईट तो सेकेंड फॉर्म एट थर्ड फॉर्म ई टेन टेक सेकेंड फॉर्म टुक थर्ड फॉर्म टेकन बाय सेकेंड फॉर्म बॉट थर्ड फॉर्म बॉट कुछ वर्ब होते हैं जो सेम रहते है जैसा कट तो इसके सेकेंड फॉर्म भी कट है थर्ड फॉर्म भी कट है तो अब हम टेंस के हर एक टाइप को डिटेल में फॉर्मूला के साथ स्टडी करते हैं तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हम देखते हैं आई प्ले क्रिकेट आई सब्जेक्ट है प्ले वर्ब है क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, है अब सब्जेक्ट अलग अलग होने से क्या चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आय तो आई प्ले क्रिकेट फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी वी को फर्स्ट पर्सन में लिया है क्योंकि आई वी में इंक्लूड होता है तो वी प्ले क्रिकेट वहाँ भी सेम रहेगा सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है तो यू प्ले क्रिकेट थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है तो वहाँ दे प्ले क्रिकेट अब फर्क सिर्फ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है ही शी इट या किसी का नाउन नाम तो उसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हम लेंगे ही तो ही प्लेस क्रिकेट अब प्ले फर्स्ट फॉर्म था उसके अंदर एस लग जाएगा कहीं कहीं ई एस लगता है जैसे गो है तो उसमें जी ओ ई एस गोस हो जाता है और शी होगा तो शी प्लेस क्रिकेट इट प्लेस क्रिकेट और किसी का नाम होगा जैसे रमेश प्लेस क्रिकेट सुहानी प्लेस क्रिकेट इस तरीके से ये होगा दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो उसी एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं सब्जेक्ट आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्ले था तो सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट प्लेड ये रेगुलर वर्ब है इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है प्ले प्लेड प्लेड तो आई प्लेड ऑब्जेक्ट क्रिकेट फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी वी प्लेड क्रिकेट सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू होता है यू प्लेड क्रिकेट थर्ड पर्सन प्लूरल दे दे प्लेड क्रिकेट और थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी यहाँ ही प्लेड क्रिकेट शी प्लेड क्रिकेट या किसी का नाउन होगा रमेश प्लेड क्रिकेट सुहानी प्लेड क्रिकेट तो ये इस तरीके से होगा तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ये भी एकदम सिंपल है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी इन दोनों के साथ शाल यूज़ होता है और बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई शाल प्ले क्रिकेट और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी शाल प्ले क्रिकेट और बाकी सबके साथ विल यूज होगा यू विल प्ले क्रिकेट दे विल प्ले क्रिकेट और ही विल प्ले क्रिकेट शी विल प्ले क्रिकेट रमेश विल प्ले क्रिकेट सुहानी विल प्ले क्रिकेट सब में सेम रहेगा विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल वर्ड को सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब को यहां पर याद रखना है इसके बाद है कंटिन्यूस टेंस यानी काम अभी हो रहा है खत्म नहीं हुआ है तो इसमें भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीन होंगे तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके अंदर इस एम आर ये तीन हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी फॉर्म कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आई एन जी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है जैसे प्ले का प्लेइंग गो का गोइंग कम का कमिंग आई एन जी फॉर्म ही यूज होगा तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आए तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो एम ये जो है ये सिर्फ आई के साथ आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट प्लूरल में आर आएगा सेकेंड पर्सन यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू के साथ भी हमेशा आर आएगा यू अगर सिंगुलर भी है फिर भी उसमें आर ही आएगा सेकेंड पर्सन में आर ही आएगा इसको याद रखना है थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर प्लेइंग क्रिकेट ये तो प्लूरल है ही तो इसमें आर थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज आएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट शी इज प्लेइंग क्रिकेट कोई नाउन होगा रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट सुहानी इज प्लेइंग क्रिकेट ये इस तरीके से होगा नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर को याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी वर प्लेइंग क्रिकेट यानी सिंगुलर में वॉज प्लूरल में वर सेकेंड पर्सन में यू वेर प्लेइंग क्रिकेट अब यहाँ पर वॉज नहीं आएगा सेकेंड पर्सन अगर सिंगुलर भी है तो भी यहाँ हमेशा वेर ही आएगा इसको याद रखना है यू वेर प्लेइंग क्रिकेट थर्ड पर्सन प्लूरल दे वेर प्लेइंग क्रिकेट ये तो प्लूरल है ही तो यहाँ वेर थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा वॉज आएगा ही वॉज़ प्लेइंग क्रिकेट शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट रमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट सुहानी वॉज प्लेइंग क्रिकेट इस तरीके से ये होगा इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ ये विल बी हमको याद रखना है तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी इन दोनों के साथ शाल आएगा और बाकी सबके साथ विल फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ आई शाल बी प्लेइंग क्रिकेट और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ वी शाल बी प्लेइंग क्रिकेट और बाकी सबके साथ विल आएगा यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इसमें सब सेम है विल बी बस सिर्फ याद रखना है इसके बाद परफेक्ट टेंस है यानी काम हो चुका है इसमें भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखना है हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जिसमें ई एन ई डी होता है प्ले प्लेड ईट ईटेन तो ई एन या ई डी से जो खत्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई हैव प्लेड क्रिकेट अभी हमको याद रखना है परफेक्ट टेंस में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आता है और बाकी सब में हैव आता है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसको याद रखना है तो आई हैव प्लेड क्रिकेट फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हैव प्लेड क्रिकेट सेकेंड पर्सन अगर वो सिंगुलर भी हो फिर भी यू हैव प्लेड क्रिकेट थर्ड पर्सन प्लूरल वो तो प्लूरल ही है दे हैव प्लेड क्रिकेट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ यूज होगा ही हैज़ प्लेड क्रिकेट शी हैज़ प्लेड क्रिकेट रमेश हैज़ प्लेड क्रिकेट सुहानी हैज़ प्लेड क्रिकेट इस तरीके से ये होगा इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड को सिर्फ याद रखना है इसके अंदर सब में सिर्फ हैड ही यूज होगा ये एकदम सिंपल है आई हैड प्लेड क्रिकेट वी हैड प्लेड क्रिकेट यू हैड प्लेड क्रिकेट दे हैड प्लेड क्रिकेट ही हैड प्लेड क्रिकेट शी हैड प्लेड क्रिकेट रमेश हैड प्लेड क्रिकेट सुहानी हैड प्लेड क्रिकेट बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड को याद रखना है इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी सिर्फ विल हैव को याद रखना है ये हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखना है सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी इन दो में शाल यूज होगा और बाकी सब में विल यूज होगा बस इतना याद रखना है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई शाल हैव प्लेड क्रिकेट और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी शाल हैव प्लेड क्रिकेट तो आई और वी के साथ शाल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव यू विल हैव प्लेड क्रिकेट दे विल हैव प्लेड क्रिकेट ही विल हैव प्लेड क्रिकेट शी विल हैव प्लेड क्रिकेट रमेश विल हैव प्लेड क्रिकेट सुहानी विल हैव प्लेड क्रिकेट ये इस तरीके से होगा इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कोई काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है चल भी रहा है ये कैसे हो सकता है तो जैसे कोई काम सुबह में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है जैसे कोई लड़का सुबह क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अभी तक खेल रहा है तो वो क्या कहेगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग तो इस तरीके के जो टेंस होते हैं इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो इसके अंदर भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव ये दो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमको याद रखना है इससे हम इजीली इसको कर सकते हैं और हैज़ हैव के साथ बीन मिला देंगे बी ई -E एन बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूस है तो उसके अंदर हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आता है वर्ब का तो यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ पर भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सब में हैव ही आएगा तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर सिर्फ हैज़ आएगा शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट और किसी का नाम होगा अगर रमेश हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सुहानी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ हैज़ हैव और बीन ये हमको याद रखना है इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्क का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ये उसे भी ईजी है सिर्फ हैड बीन याद रखना है और सब में सेम रहेगा तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट we had बीन प्लेइंग क्रिकेट यू had बीन प्लेइंग क्रिकेट दे had बीन प्लेइंग क्रिकेट ही had बीन प्लेइंग क्रिकेट शी had बीन प्लेइंग क्रिकेट और थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर नाम है रमेश हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सुहानी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट तो हैड बीन सिर्फ ये वर्ब हमको याद रखना है और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्क का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट तो ये इजी है इसमें सब में विल हैव बीन ही रहेगा लेकिन सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आई और वी के साथ शाल लगेगा और बाकी सब के साथ विल तो आई शाल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट वर्थ का वर्थ का फोर्थ फॉर्म ही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है वी शाल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट आई और वी में शाल और बाकी सब में विल सेकेंड पर्सन यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट He will have been playing cricket. She will have been playing cricket. Ramesh will have been playing cricket. Suhani will have been playing cricket. यहाँ humko sirf will have been ye helping verb yaad rakhna hai तो ये हमने tense के 12 types examples के जरिए और formulas के जरिए सीख लिए हैं। तो हम दो-तीन chart यहाँ दे रहे हैं। आप इसमें से अच्छे से practice कर लीजिए। Next video तक। Bye bye।